हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त देवानंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवानंद सलूशन। दोस्तों, आज के हम अपने वीडियो में नए टॉपिक के साथ यहां पे उपस्थित हुआ हूं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये टॉपिक के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या बैंक के एग्जाम हो। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें मैथ का कंटेंट है तो अगर उसमें मैथ का कंटेंट अवेलेबल है उसके सिलेबस में, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। चाहे एक क्वेश्चन पूछा जाए या दो क्वेश्चन, 101% एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इस संख्या पद्धति में शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या है इस संख्या पद्धति में, जो हमारा पहला पार्ट है, हम इसमें संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और संख्या का स्थानीय मान और उसका अंकीय मान, मतलब उसका जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, और संख्या को हिंदी में कैसे लिखते हैं और हिंदी से संख्या को अंकों में कैसे बदलते हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम पहले ये तो समझ लेते हैं कोई भी संख्या कैसे बनती है। कोई भी संख्या, अगर हम दशमलव संख्या पद्धति की बात करें, दशमलव संख्या पद्धति का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, कोई भी संख्या 10 अंकों से मिलकर बनती है। और इन 10 अंकों में हमारे अंक कौन कौन से हैं, 10 अंकों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंकों की मदद से हर संख्या बनाई जाती है, कोई भी संख्या बनाई जाती है। इस 10 अंक इसमें क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके दोस्तों, ये 10 अंक होने की वजह से इसका जो बेस हो जाता है, बेस मतलब इस संख्या का जो आधार है वो 10 होता है दोस्तों। इसलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये 10 अंकों की मदद से कोई भी संख्या इसमें बनाई जाती है। चलिए दोस्तों, हम आगे अब बढ़ते हैं। इसमें कोई भी संख्या, हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक संख्या ले ली, 64589, ये हमारी एक संख्या हो गई। इस संख्या को कैसे, इसको हम पढ़ेंगे, इस संख्या हमने एक तरह से पढ़ लिया अलग अलग 6, 4, 5, 8, 9, बट इस संख्या को ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इस संख्या को पढ़ते ही कैसे हैं, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 64589 पढ़ेंगे, अगर हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, 64589। लेकिन ये 64589 होता कैसे है, हम इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। ये 64589 हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको लिखने का एक तरीका है। हम इसको क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से, अपने हाथ से दाहिनी तरफ से बाईं तरफ इसको हम क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से हम दाएं से बाएं बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, दाएं से बाएं अंकों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। चलिए हम इसको एक तालिका बना के इसको हम समझते हैं। हमारी तालिका क्या हो गई, यहाँ पे सपोज मान लो इकाई हो गया, यहाँ पे हो गया दहाई, यहाँ पे हो गया सैकड़ा, यहाँ पे हो गया हजार, यहाँ पे हो गया 10,000, यहाँ पे हो गया लाख, यहाँ पे हो गया 10 लाख, यहाँ पे हो गया करोड़, यहाँ पे हो गया 10 करोड़ और यहाँ पे हो गया अरब। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये संख्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अपने दाहिने साइड से। अब सबसे आखिरी में जो हमारा अंक है वो क्या है, सबसे आखिरी में जो हमारा अंक है वो क्या है, 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। इसके बाद क्या है, 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 लिख दिया, इसके बाद हजार पे 4 है और 6, 10,000। इस तरह से हम इसको किसी भी अंक को अगर हिंदी में या मतलब शब्दों में कैसे बोलेंगे या मतलब पढ़ेंगे, उसका क्या तरीका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 10,000 पे है,
10,000 का मतलब क्या हो गया कि इसका जो पोजीशन है ये 10,000 में पे है, कहने का मतलब ये 60,000 हो गया ये 6, और ये क्या है 4,000 पे है, तो इसलिए 1,000 और 4,000 मिलकर 64,000, इसको क्या पढ़ेंगे 64,000। सैकड़ा, सैकड़े के नीचे कितना है 5, ढाई के नीचे क्या है 8, और इकाई के नीचे क्या है 9, क्या पढ़ेंगे 64,589। इसके अलावा और भी कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया एक संख्या 10,00,000, मतलब कोई भी संख्या हमने 10, 5, 9, 20, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 हमने ले लिया ये संख्या। अब इस संख्या को कैसे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक तालिका, इस तालिका में हम पहले इसको लिख देंगे, इस फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है इकाई के स्थान पर शून्य, यहाँ पे शून्य लिख दिया, दहाई के स्थान पे क्या है 2 लिख दिया, सैकड़े के स्थान पे क्या है 9 है 9 लिख दिया, और हजार के स्थान पे क्या है 5, 5 लिख दिया, और 10,000 के स्थान पे शून्य है 0 लिख दिया, लाख के स्थान पे मतलब यहाँ पे अगला अंक क्या है 1 लिख दिया। इसको कैसे पढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे देखेंगे लाख के नीचे 1,00,000 हो गया, 1,00,000, 10,000 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, 1,000 के नीचे 5 है तो 5,000 पढ़ेंगे, सैकड़े के नीचे तो 900 बोलेंगे, दहाई और इकाई इससे हो जाए मिलकर 20 हो जाएगा, तो कहने का मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे 1,05,920, क्या हो गया 1,05,920। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 8,9,2,5,6,7,8, अब इस अंक को हम इस तालिका में नीचे लिख देंगे, लिख देते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा 8,7,6,5, कैसे लिखते हैं दाहिने से बाएं तरफ, दाहिने से बाएं तरफ, तो हो जाएगा 5,6,7,8 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0, इसके बाद आ गया 2, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे करोड़ पे क्या हो गया 8 हो गया है, 10,00,000 पे 9 हो गया, लाख पे 2 हो गया, 10,000 पे 0 है, 1,000 पे 5 है, सैकड़े पे 6 है, दहाई पे 7 है, और इकाई पे 8 है, तो कैसे पढ़ेंगे 8 करोड़, अब क्या है 92,05,678, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे 8,92,05,678। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी संख्या को हम शब्दों में, अगर अंकों में कोई संख्या लिखी होती है तो उसको शब्दों में कैसे पढ़ते हैं, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और कैसे किसी शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में कैसे परिवर्तित करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, शब्दों में कोई संख्या लिख लेते हैं, हमने लिख लिया मान लो पहला एग्जाम्पल हमने दिया क्या, हमने लिख लिया 80,500,003, 80,503 दूसरी एक संख्या शब्दों में लिख लेते हैं 5,90,630। ये हमारे पास दो संख्या है 80,503, 5,90,630। इसको हमको क्या लिखना है, किसमें लिखना है, इसको हमें अंकों में लिखना है दोस्तों। अब हमने जो तालिका बनाई थी पहले उस तालिका को यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए दोस्तों तालिका हमारी क्या थी, हमें लिखा था इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार
10,000 लाख 10 लाख करोड़ यहाँ पे मिलेगा 10 करोड़ इसके बाद हो जाएगा अरब इसके बाद दोस्तों इधर आगे 10 अरब भी हो जाएगा 10 अरब के बाद खरब तो हमने इस तरह से इसको चार्ट बना लिया अपना तालिका अब इसमें हम क्या देखेंगे हमारे पास क्या है 80,000 अब 80,000 है इसको कहाँ पे लिखेंगे जाहिर सी बात है 80,000 हमारा क्या आएगा 80,000 में 80,000 कैसे लिखेंगे कहने मतलब 10 में 10,000 का गुणा हुआ करना हजारवें प्लेस पे 8 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 80,000 बोला हजार 0 हो जाएगा 500 बोला है तो कहने का मतलब सैकड़े का स्थान पे 5 हो जाएगा 3 बोला है 503 तो दहाई तो बोला नहीं 3 सिर्फ बोला है तो इकाई में 3 हो जाए तो हमारा इस 80,503 जो हिंदी में मतलब जो शब्दों में लिखी हुई संख्या है शब्दों में जो लिखी हुई संख्या है उसको हम अंकों में क्या लिखेंगे 80,503 इस तरह से कहने का मतलब ये हो जाएगा 80,500 ये हो जाएगा अब इस संख्या को देखते हैं इस संख्या को देखेंगे तो कैसे इसको लिखेंगे 5,90,630 इसको कैसे लिखेंगे तो 5 करोड़ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करोड़ के स्थान पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 90,000 है अब कहने का 10 लाख और लाख यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्या 10 लाख और लाख 10 लाख और लाख में क्या हो जाएगा यहाँ शून्य शून्य हो जाएगा और 90,000 बोला है तो यहाँ 90,000 यहाँ 9 हो जाएगा हजार 0 हो जाएगा 90,000 हो गया सैकड़े के नीचे क्या लिखेंगे 600 का है तो यहाँ 600 लिख दिया इस बार 30 बोला है तो यहाँ 30 लिख दिया तो ये जो शब्दों में लिखी हुई संख्या इसका अंकों में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 5,90,630 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसे 5 करोड़ के बाद क्या है 2 शून्य है 9,0,6,30 ऐसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ठीक है दोस्तों तो ये इसका ये जो शब्दों में लिखी हुई संख्या है इसका अंकों में ये हो जाएगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा किसी किसी संख्या को शब्दों में लिखते हैं और कैसे किसी शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में लिखते हैं ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी हम आगे बढ़ते हैं किसी भी संख्या में उपस्थित जो भी अंक होते हैं उसके अंकीय मान क्या होते हैं और उसके स्थानीय मान क्या होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो पहले हम एक संख्या लेते हैं और उस संख्या के अंदर जितने भी अंक होंगे उस अंकों में उस अंकों का हम अंकीय मान या जातीय मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे चलिए दोस्तों हमने एक संख्या ले ली ये हमारी संख्या होगी क्या करना है दोस्तों हमें इसमें जितने भी अंक इस संख्या के अंदर जो भी अंक उपस्थित हैं उन अंकों के अंकीय मान निकालने हैं उनके जातीय मान निकालने हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम समझ लेते हैं क्या होता है पहले अंकीय मान क्या चीज होती है अंकीय मान इसको एक और नाम से जानते हैं अंकीय मान या जाति मान इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू ठीक है दोस्तों तो अंकीय मान क्या होता है किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो उपस्थित उसमें जितने भी अंक होते हैं उनके प्रत्येक अंक का अंकीय मान वह मान होता है जो उसका खुद का मान होता है
कहने का मतलब किसी भी संख्या में उपस्थित जो भी अंक होंगे उनका अंकीय मान, प्रत्येक अंक का अंकीय मान वह मान होता है जो उसका खुद का मान होता है। कहने का मतलब अगर संख्या 9 है इसका अंकीय मान कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। 3 है, 3 का अंकीय मान 3 होगा। 0 है तो 0 का अंकीय मान 0 होगा। 0 है तो 0 का अंकीय मान, वो चाहे किस पोजिशन पे हो, चाहे उस संख्या में किसी भी पोजिशन पे वो अंक उपस्थित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका अंकीय मान हमेशा वही उसका खुद का ही मान होगा। दोस्तों 9 है, इसका 9 का अंकीय मान क्या हो जाएगा, 9 का अंकीय मान बराबर 9। 5 का अंकीय मान यह क्या हो जाएगा, 5। 0 का अंकीय मान 0। 3 का अंकीय मान 3। 0 का अंकीय मान 0। यहां 8 का अंकीय मान शून्य का अंकीय मान 0, 8 का अंकीय मान 8। कोई भी संख्या ले लें, सपोज हमने एक संख्या ले ली 8576789, ये हमारी एक संख्या हो गई। इसमें हमें प्रत्येक अंक का अंकीय मान बताना है। अगर 9 का मैंने पूछ लिया तो 9 का अंकीय मान 9 हो जाएगा, 8 का अंकीय मान 8 हो जाएगा, 7 का अंकीय मान 7 हो जाएगा, 6 का अंकीय मान 6, 5 का अंकीय मान 5 हो जाएगा, 8 का अंकीय मान 8 हो जाएगा। कहने का मतलब जो अंकीय मान होता है उसका खुद का मान, मतलब इटसेल्फ, उसका जो खुद का मान होता है किसी संख्या में वही उसका उस अंक का अंकीय मान होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा अंकीय मान क्या चीज होती है। कई कई अंकीय मान भी बोलते हैं, जातीय मान भी उसको बोलते हैं, उसके दो नाम से जानते हैं, इंग्लिश में फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में उपस्थित जो भी अंक होते हैं उनका जो स्थानीय मान होता है वो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। स्थानीय मान क्या चीज होता है, कोई भी संख्या हम सपोज हमने इकाई का अंक ले लिया, ये संख्या ले लें, कोई भी संख्या किसी भी पोजिशन पे हो तो पहले हम ये चेक करेंगे वो संख्या किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ देखना पड़ेगा इकाई अंक दाहिनी तरफ से बाई तरफ बढ़ेंगे और वो उसका पोजीशन चेक करेंगे। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला अंक दाहिनी तरफ इकाई होता है, दूसरा हो जाएगा दहाई, तीसरा हो जाएगा सैकड़ा, चौथा हो जाएगा हजार, ये हो जाएगा 10,000, इसके बाद हो जाएगा लाख, इसके बाद हो जाएगा 10,00,000, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा करोड़, इसके बाद हो जाएगा 10 करोड़, ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आ जाएगा अरब, इसके बाद 10 अरब, क्या हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने इस संख्या में पूछ लिया कि 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान कौन सा, ये वाले 2 का स्थानीय मान, तो पहले तो हम पता करेंगे ये अंक किस पोजीशन पे है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, जिस पोजीशन पे जो अंक रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं, और अगर वो अंक इकाई पे है तो उसमें 1 का गुणा करेंगे, दहाई पे है तो उसमें 10 का गुणा करेंगे, सैकड़ा पे है तो उसमें 100 का गुणा करेंगे, हजार है तो 1,000 का गुणा करेंगे, 10,000 पे उसमें 10,000 का गुणा करेंगे, लाख पे है तो 10,00,000 का, लाख पे है तो लाख का गुणा करेंगे, और 10,00,000 पे है तो 10,00,000 का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर इस 2 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो पहले क्या करेंगे, ये किस पोजिशन पे है, इकाई पे है तो पहले यहाँ पे हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2 × 1 = 2। कहने मतलब इस अंक का, इस संख्या में इस अंक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का, तो किस पोजीशन पे है पहले देखेंगे, इकाई दहाई, दहाई का अंक है तो पहले वो संख्या लिख लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा दहाई का अंक गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दहाई का अंक क्या है, 3 है,
तीन गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही इस संख्या में इस 9 का स्थानमान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कौन से पोजीशन पे है, सैकड़ा का अंग गुणे 100, ये बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 100, ये बराबर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 7 है तो 7 लिख लेंगे। अभी देखते हैं कौन से पोजीशन पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें कितने का गुणा हो जाएगा 1000 का, हो जाएगा 7000। ऐसे इसका 5 का हो जाएगा 5 गुणे, कितने का गुणा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, 10000 का गुणा हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा 50000। ऐसे ही 2 का क्या देखेंगे, ये वाला 2 इकाई के अंक पे था दोस्तों, इसलिए इसका स्थानमान 2 था, लेकिन ये वाले 2 का ध्यान देना है, ये वाले 2 लाख पे पोजीशन पे है, लाख इसका पोजीशन है, तो यहाँ पे 2 गुणे लाख पोजीशन मतलब 1 लाख का गुणा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, ऐसे 10 लाख पे है 8 को ले लेंगे, इस 8 को लेंगे, देख पहले चेक करेंगे 8 लिख लेंगे, अब चेक करेंगे कौन से पोजीशन पे है, ये कौन से पोजीशन पे है, 10 लाख पे है तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 10 लाख पे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों के स्थानमान निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर हमने पूछिए 8 का स्थानमान बताइए, तो 8 का स्थानमान कैसे निकालेंगे इस संख्या में, तो पहले 8 लिख लेंगे एज इट इज, और गुणा कितने का करना पड़ेगा, यहाँ पे हम दाहिनी तरफ जाएंगे और उसका पोजीशन चेक करेंगे इस संख्या में उसकी कौन सी पोजीशन पे है, तो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख है तो 10 लाख का इसमें गुणा हो जाएगा, जो आएगा वही उस संख्या में उपस्थित अंक का स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं उसमें भी, ठीक है, हमने क्या संख्या ले ली, हमने हमारे पास ये संख्या है, हमें इसमें इस संख्या में 6 का और 5 का स्थानमान निकालना है, इस संख्या में 5 और 6 का स्थानमान निकालना है, हमने क्या लिख लिया, 6 लिख लिया और 5 को मार्क कर लिया। तो जिस अंक का स्थानमान निकालना होता है तो पहले हम वो संख्या लिख लेते हैं, अब यहां से पता करते हैं कौन से पोजीशन पे है ये संख्या, कहां से दाहिनी तरफ जाएंगे, यहां से काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये किस कौन सी पोजीशन पे है, हजार पोजीशन पे है, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 6000। तो इस अंक में, इस संख्या में 6 अंक का जो स्थानमान हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ऐसे ही संख्या में 5 के, 5 का स्थानमान क्या हो जाएगा, 5 ले लिया, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, हम पहले इसका पोजीशन चेक कर लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख, तो लाख पोजीशन इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 1 लाख का गुणा हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख, दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 5 लाख, ये हो गया 5 लाख। 8 का स्थानमान क्या होगा, क्या होगा, पहले क्या करेंगे, वो संख्या जो जिस अंक का स्थानमान निकालना, हमें क्या करना पड़ेगा, उस अंक को वहां पे लिखना पड़ेगा, और जिस पोजीशन पे वो हमको दाहिनी तरफ से काउंट करना पड़ेगा, यहां से दाहिनी साइड से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख, ये संख्या किस पे है, 10 लाख पे है, तो इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 10 लाख का गुणा हो जाएगा, काई दहाई सैकड़ा हजार 10000, काई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा टोटल 80 लाख। कितना हो जाएगा, 80 लाख। ऐसे इस 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे कौन से पोजीशन पे, दहाई की पोजीशन 10 का गुणा हो जाएगा, ये जाएगा 20। इकाई 3 का हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा 3। 7 का निकालेंगे तो सैकड़े के पोजीशन पे 100 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 700।
ठीक है दोस्तों, इस नौ का निकालेंगे, इस नौ का स्थानीय मान अगर निकालेंगे इस नौ का, तो क्या हो जाएगा, नौ कितने का गुणा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, इसमें दस हजार का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, नब्बे हजार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नौ का गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये नब्बे हजार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों के स्थानीय मान को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक संख्या दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि संख्या में सपोज अगर छः उपस्थित तो बोल देगा छः का स्थानीय मान निकालो, सात का स्थानीय मान निकालो, तो इस मेथड से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।